राम जन्मभूमि का सैकड़ों सालों से चला हुआ मसला सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत आसानी से बहुत सालों के केस चलने के बाद, लेकिन हिंदू मुस्लिम में एकमत निर्माण करके, या दुमत हुआ होगा तो भी बहुत कम दुमत हुआ, एकमत निर्माण करके किसी भी प्रकार के संघर्ष न होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को सुलझाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यह भूमि राम जन्मभूमि है, वहाँ राम का एक भव्य मंदिर होना चाहिए। सिर्फ मंदिर सरकार नहीं बनाएगी, एक ट्रस्ट बनाएगा। माननीय मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया, 7 महीने हुए उसका शुरू करने का जो कार्यक्रम होता है वो नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना महामारी का बड़ा संकट था। अब 5 अगस्त को यह तिथि तय हुई है, माननीय मोदी जी स्वयं जाएंगे। पवार साहब ने इस पर हमेशा की तरह आपत्ति उठाई है कि कोरोना क्या राम मंदिर बनने से जाएगा, ये किसका दावा है कि कोरोना राम मंदिर बनने से जाएगा। लेकिन कोरोना के लिए जो भी करना चाहिए वो तो मोदी जी ने किया भी है और कर भी रहे हैं। जब कोरोना इस देश में शुरू हुआ मार्च में, तब इस देश में एक भी पीपीई किट, एक भी N95 मास्क बनने रहा था। आज क्या है कि पीपीई किट और N95 मास्क अपने देश की आवश्यकता पूरी करके एक्सपोर्ट हो रहा है। पूरे 70 साल में वेंटिलेटर 47,000 लिए गए, मोदी जी ने एक ही दिन में 50,000 वेंटिलेटर की ऑर्डर दे दी। एक भी कोविड हॉस्पिटल नहीं था, और जो एक इंजेक्शन ढूंढने में पूरी दुनिया लगी है, जो इंजेक्शन लेने के बाद कोरोना नहीं होगा, वो इंजेक्शन शायद भारत ही पहला देश होगा कि जो ढूंढ पाएगा। तो कोरोना के लिए 1,70,000 करोड़ का पैकेज देना, फिर बाद में अर्थव्यवस्था बिगड़ी है तो 20,97,000 का पैकेज देना, ये सारा तो मोदी जी कर रहे हैं। और हम ही लोग सब बोल रहे हैं ना कि अब कोरोना को लेकर जीना पड़ेगा, सारी सावधानियां बरता कर सारे जीवन व्यवहार शुरू करने पड़ेंगे। इंडस्ट्री शुरू हुई, ऑफिस शुरू हुए, स्कूल कॉलेजेस ऑनलाइन शुरू हुए, तो फिर मंदिर का जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है वो होने में दिक्कत क्या है। लेकिन पवार जी को एक आदत पड़ी है कि हर विषय को कहीं ना कहीं टेढ़े मार्ग पर लेकर जाना। यह देश का हिंदू, पूरे दुनिया में रहने वाला हिंदू एक पवार बिवार जैसे लोगों की चिंता नहीं करता। राम जन्मभूमि हमारे अस्मिता का विषय है, और आज सुबह एक टीवी चैनल पर हुसैन दलवाई जी ने कहा, मुझे बहुत आनंद हुआ, उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम दोनों का राम पर एकमत है कि राम इस देश के आदर्श पुरुष होकर गए। तो ये यदि मुसलमानों की मानसिकता है तो पवार जी को क्या दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि यह राम मंदिर का भूमि पूजन जो है वो 5 तारीख को होगा। कोरोना के लिए जो भी आवश्यक करना होगा वो भी मोदी जी करेंगे। मुद्दा है कि उद्धव जी वहां जाएंगे कि नहीं। उद्धव जी ने वहां जाना चाहिए, इसलिए हम उनको आग्रह करते हैं। उन्होंने जाने का निर्णय किया तो उनका अभिनंदन भी करते हैं, क्योंकि उद्धव जी ने यह कहा था कि पहले मंदिर बाद में सरकार। सरकार तो बना ली, मंदिर तो अभी नहीं बना। तो सरकार बना ली, कैसी वैसी बना ली तो मंदिर भी बनना चाहिए। और उस मंदिर की शुरुआत यदि 5 अगस्त को हो रही है तो उद्धव जी ने जाना चाहिए। जाएंगे कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि उनके सहयोगी पक्ष क्या बोलेंगे। लेकिन सहयोगी पक्ष की भी बहुत मजबूरी है, सरकार रहना चाहिए, इसलिए क्या कहेंगे, वो उनका व्यक्तिगत विषय है। अरे भाई, कैसे व्यक्तिगत विषय है? आपका नेतृत्व करने वाले CM जब अयोध्या में जाते हैं तो फिर आपकी वोट बैंक को क्या लगेगा। लेकिन वो उनका विषय है। पवार जी को मैं कहता हूं कि हर विषय में टेढ़े में जाने की कोई आवश्यकता नहीं।